हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे? वेलकम बैक टू माय क्लास पटसारिया केमिस्ट्री क्लासेस ग्वालियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन लेक्चर नंबर 27 फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। माय डियर स्टूडेंट, दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जी मेंस और नीट विद क्लास 12th। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड एक एक पॉइंट आपका क्लियर करूंगा। बोर्ड पर हर डायग्राम हर पॉइंट मैं यहां पर लिखूंगा, आप उसे कॉपी भी कर सकते हैं, इसलिए आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें छूटने वाला नहीं है। तो सबसे पहले देखिए कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो चलिए इन पॉइंट्स को एक एक करके समझ लेते हैं। अगर हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझना है तो इन पॉइंट्स को हमें जरूर जानना चाहिए। इन पॉइंट्स के करने के बाद आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन नहीं करेगा, कहाँ संभव है कहाँ संभव नहीं है, कौन कौन से ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, ये सारे पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। मैं एक बार इसको आपको समझा देता हूं तब ये क्लियर हो जाएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन देयर एबिलिटी टू रोटेट डायरेक्शन ऑफ द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। मैंने जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझा रहा था उस समय मैंने आपको प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट के बारे में भी बताया था, पोलेरोमीटर के बारे में बताया था, सारा डायग्रामेटिकली मैंने उसमें दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर के डिटेल्स देख लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑप्टिकल आइसोमर वाले पार्ट में। यहाँ पर मेन ये बात है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन रिप्रेजेंट करेगा, जो पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट हैंड साइड में रोटेट करेगा या लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेगा, यही इसकी मेन एबिलिटी है। किसकी? ऑप्टिकल आइसोमर्स की। इसकी और कोई पहचान नहीं है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है, यही प्रैक्टिकल इसकी वैल्यू है। तो लाइट को रोटेट करेगा तो या तो राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसके टू आइसोमर बनेंगे। पहला आइसोमर कहलाएगा अगर राइट हैंड साइड में रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोला जाता है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को तब उस आइसोमर को कहेंगे लीवो रोटेटरी। ये नाम भी मैंने आगे बताया, तो ये इसको डिफाइन कर लीजिए आप। पहली चीज ये है कि इसमें किसकी एबिलिटी होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की। दूसरा पॉइंट है दे आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। ये क्या होती है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस को? आप ऐसा समझ सकते हैं, अगर इंग्लिश के अल्फाबेट के एल को अगर अपन मिरर में देखें, जैसे मैं यहाँ पर एल लगा देता हूँ, ये एल है और यहाँ पर मैंने ये मिरर रखा हुआ है, तो ये वो इमेज जो दिखेगी हमें वो ऐसे दिखेगी। देखिए ये है हमारी नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस, ठीक है। एक होती है मिरर इमेजेस, एक होती है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज अगर जिसकी की बनती है उसी का ऑप्टिकल आइसोमर संभव है। तीसरा पॉइंट देखिए, दे पजेस द
प्रॉपर्टी ऑफ किरेलिटी, ये किरेलिटी की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं। दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इनके जो आइसोमर बनेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने के बाद, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेबो रोटेटरी, तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है यानी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बोथ आर सेम यानी आइडेंटिकल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखिएगा, पॉइंट नंबर 5, दे शुड नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन इट्स स्ट्रक्चर, इनके जो भी स्ट्रक्चर बनेंगे उनके अंदर किसी भी टाइप की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अभी आप बहुत सारे स्टूडेंट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं जानते हैं, तो मैं अभी थोड़ा सा बता दूं, फिर इसी के बाद जस्ट डिटेल बताने वाला हूं। 3 टाइप की एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होती है। नंबर 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री, नंबर 2 सेंटर ऑफ सिमेट्री, तीसरा होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर इन तीनों सिमेट्रियों में से कोई भी सिमेट्री अगर ऑप्टिकल आइसोमर के स्ट्रक्चर में है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इसका भी हमें ख्याल रखना है। तो कौन कौन ऑप्टिकल आइसोमर रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर 1 तो उसके अंदर किरेलिटी होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेज होना चाहिए, और उसमें किसी प्रकार की एलिमेंट्री या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखिए, द आइसोमर विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू लेफ्ट आर टर्म्ड लिबो एंड टू राइट आर टर्म्ड डेक्स्ट्रो। जो मैंने अभी बताया था कि अगर जो स्ट्रक्चर्स आपके पास हैं जिन्हें हम कह रहे हैं ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो उन्हें चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन्हें प्लेन पोलराइज्ड लाइट से होकर के गुजारना होगा। अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट करता है तो उसे हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर, और अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करता है तो हम उसे कहेंगे लिबो रोटेटरी आइसोमर, ये इसको डिफाइन कर रहा है। पॉइंट नंबर 7 में कुछ ऐसी बात है जो कि आपको पहले ही बता देते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स रेयरली अकर इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। जैसा हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में पढ़ा था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये नहीं पाई जाती, ऐसे यहाँ पर ये ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो रेयरली अकर्स, यानी बहुत कम देखे गए हैं किसमें, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। साथ साथ में ये भी ध्यान रखिए कि एक्सपेक्टेड टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस MABCD 4 डिफरेंट ग्रुप अगर अटैच हैं, तो अगर उसके लिए एक्सपेक्टेड है ऑप्टिकल आइसोमर, लेकिन इनको आइसोलेट नहीं किया गया है, तो दोनों ही चीज़ें रेयरली हो जाती हैं, किस किस में, स्क्वायर प्लेनर में एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने सीखे, इनको एक बार और पढ़ लीजिए, आप नोट कर लीजिए, फिर समझते जाइए। मैंने सारी चीज़ें इसमें आपको समझा दी हैं, केवल मेन जो चीज़ें इसमें जो नहीं समझाई है वो है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, जो कि सिंपल वे में पॉइंट्स से समझ में नहीं आएगी, इसको आप नोट कर लें, उसके बाद मैं सारी सिमेट्री को आपको डायग्रामेटिकली अभी सिखाता हूँ, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ये है हमारी 3 टाइप की सिमेट्री। अगर ऑप्टिकल आइसोमर आपको निकालना है तो उसके पहले हमें ये 3 टाइप की सिमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। बड़ा सिंपल वे में थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ, इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसी ऑप्टिकल आइसोमर में किसी भी प्रकार की सिमेट्री है, चाहे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, या अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, तो किरेलिटी होने के बावजूद भी उसके ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होंगे। अगर ऑप्टिकल आइसोमर हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएंगे। तो कुल मिला के ये है कि 2 फॉर्म ही आपको बनाना है ऑप्टिकल आइसोमर में, या तो डी फॉर्म या एल फॉर्म। डी फॉर्म और एल फॉर्म आपस में इनेंसियोमर होते हैं,
यानी एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। यहाँ पर मिरर इमेज की जो बात की जा रही है वो है नॉन सुपर इम्पॉजिबल मिरर इमेजेस। और नॉन सुपर इम्पॉजिबल मिरर इमेजेज में मैंने आपको बताया था कि अगर आप एल को मिरर में देखें तो वो उल्टा दिखाई देगा आपको, उसी को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉजिबल मिरर इमेजेस। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ध्यान से देखिए इस वाले को, ये टार्टरिक एसिड है COOH CHOH CHOH, ये सी है यार जो नहीं दिखाए गए हैं, ठीक है, और ये COOH ये आपका टार्टरिक एसिड है, उसका प्लस फॉर्म है। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले तो आपको याद रहते ही हैं। मेन इसमें देख लीजिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखनी है। अगर इसका मैं मिरर इमेज देखूं, यानी इसके सामने यहाँ पर मैं मिरर रखूँ, तो ये OH इधर दिखेगा और ये H इधर दिखेगा, ऐसे ये H इधर दिखेगा और OH इधर दिखेगा अगर मैं इसके सामने मिरर रखूँ तो ये स्ट्रक्चर आपको इस स्ट्रक्चर के रूप में दिखेगा। जैसे देखिए इसमें कोई अंतर नहीं करते हैं, ये तो सेम ही है। सॉरी, तो देखिए यहाँ पर ये OH था और ये H था, तो अपोजिट हो गए एक दूसरे के, ऐसे यहाँ पर OH और H है तो जी हो गया H और OH, यानी ये वाले स्ट्रक्चर का ये वाला स्ट्रक्चर मिरर इमेज है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में ऑप्टिकली आइसोमर पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं इन दोनों का इसको यहाँ से ब्रेक करके ऊपर वाला भाग, यहाँ से ब्रेक करके इसका नीचे वाला भाग जोड़ दूँ तो ये स्ट्रक्चर बनेगा इन दोनों के स्ट्रक्चर से। देखिए यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट में H और OH है तो ये H और OH है, नीचे वाले पार्ट को देखें तो यहाँ पर H और OH है तो देखिए H और OH है, COOH दोनों ऊपर और नीचे हैं। तो इन दोनों के मिक्सचर से हमारा ये बना और इसे हम बोलते हैं मीजोफॉर्म। ये जो मीजोफॉर्म है ये अगर इसको मैं बीच में से काटूं, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, 2 ऊपर रह जाएंगे 2 नीचे रह जाएंगे, तो अगर मैं यहाँ से इसको ब्रेक कर दूं जैसे मैंने लाइन यहाँ पर बताई है तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल नहीं, मिरर इमेजेज होंगे। और अगर मिरर इमेजेज दोनों एक दूसरे के हैं तो इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, और जब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, टार्टरिक एसिड का मीजोफॉर्म। तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे सीखना है कि अगर हम स्ट्रक्चर को बीच में से कट करें तो वो दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, मिरर इमेज होंगे। तो ये दोनों स्ट्रक्चर अगर ऐसा बनाते हैं तो ये होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसी को बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन अगर मैं यहाँ से इधर कट करता हूँ तो ये दोनों मिरर इमेजेस नहीं है। ये यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, जो कि ये वाला स्ट्रक्चर बनता है इस वाले स्ट्रक्चर से। ये होता ही हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर किसी स्ट्रक्चर में कैरेलिटी है, यानी एक कार्बन एटम से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, तो उसमें कैरेलिटी है, ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसलिए ये स्ट्रक्चर मीजोफॉर्म टार्टरिक एसिड का ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ओके राइट। अब आता है दूसरा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसमें इस स्ट्रक्चर को देखिएगा, इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहां पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन से हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप और यहां पर CH COOH, ऐसे यहां पर CH COOH अटैच है, ठीक है, ऐसे यहां पर भी देखिए CH COOH, ये अलग अलग अटैच है। ये बस समझ लीजिए ये सी और सी है, ये सी है और ये तो सब आपको दिखाई दे रहा है। अब इन स्ट्रक्चर्स में आप देखेंगे ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है तो आप देखेंगे
किसी एक कॉर्नर से, यानी ये सी डब्लू एच है सेम टाइप का, यहाँ पर दूसरा सी डब्लू एच है। अगर मैं किसी एक को यहाँ पर सेंटर पॉइंट मान करके यहाँ से लाइन खींचूँ, ये वाली जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ की डिस्टेंस, इसी टाइप से इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक जो दोनों डिस्टेंस हैं, अगर पूरी टोटल डिस्टेंस ये निकालेंगे और टोटल डिस्टेंस ये निकालेंगे, वो एकदम सेम होंगी। ऐसे देखिए ऊपर वाला एच है तो देखो इसके नीचे वाले एच से, ऐसे ये नीचे वाला एच ऊपर वाले एच से, तो देखिए एक सेंटर पे जाकर के सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये कहलाती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर हम कहीं से दो भागों में सेंटर को मानते हुए अगर ब्रेक करें तो ये दो भागों में बट जाता है, सेम टाइप में दो भागों में बट जाएगा। कहीं से भी ब्रेक करें, किसी भी सेंटर से आप लेकर के किसी भी पॉइंट को मान के ब्रेक करोगे तो आपको सेम टाइप के मॉलिक्यूल मिलेंगे, तो इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसमें किसी एक पार्ट को सेंटर मानना पड़ेगा और उसके बाद आपको ये लाइनें खींच के देखेंगे कि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ओके, तीसरा होता है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें क्या होगा, इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है, देखिए सी 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 एंड सी, इससे एच और एम ई जुड़ा हुआ है, मी एम ई माने मिथाइल ग्रुप, इसे यहाँ पर एम ई और एच, और ये एच एम ई और एच, इसको क्या कहा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसमें किसी एक एक्सिस हमने एक लाइन खींची है बीच और बीच किसी स्ट्रक्चर के, एक्स एंड वाई, ये एक्सिस है हमारा, और यहाँ से हम इसको ब्रेक कर दें तो ये स्ट्रक्चर दो बराबर बराबर सेम भागों में बट जाता है। अल्टरनेटिंग ये होता है, जैसे यहाँ पर H और M ही है तो इसके अल्टरनेट आपको ये H और M ही मिलेगा, ऐसे M ही और H है इसके अल्टरनेट, इसको छोड़िए देखिए M ही और H मिलेगा। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जिसमें अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, जिससे कि ब्रेक करने पर अल्टरनेट हमें सेम टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा हो, तब भी हम उसे कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी तीनों टाइप की सिमेट्री। इससे आप समझने की कोशिश करना, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो इसमें बहुत सारे आपको एग्जांपल मुझे सिखाना पड़ेंगे, क्योंकि एक एक एग्जांपल से अभी कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, तो अभी इतना तो समझ ही सकते हैं आप कि थ्री टाइप की सिमेट्री अगर ऑप्टिकल आइसोमर में है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे और उसे हम ऑप्टिकली आइसोमर नहीं मानेंगे। तो चलिए इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ वो एग्जांपल कौन कौन ऑप्टिकल आइसोमर रिप्रेजेंट करते हैं और उनका स्ट्रक्चर हमें डी फॉर्म में और एक्स फॉर्म में कैसे दिखाई देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नोट कर लो जल्दी से इसको। फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको डेफिनेशन और ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस कौन कौन रिप्रेजेंट करेगा वो सीखा। सेकेंड में आपने थ्री टाइप की सिमेट्री देखी, जहाँ भी सिमेट्री होगी वहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा सब्सटेंस। थर्ड स्टेप में आपको देखना है जनरल फार्मूला ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। ये जो फार्मूले मैंने 7 लिखे हैं, अगर आप इनको अच्छे से याद कर लेते हैं तो मेरे अंदाज में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, बड़े आसानी से आप पहचान पाएंगे। अगर आप याद नहीं करते हैं तो मैंने आपको बताया ही है तरीका कि आपको देखना है कि इसकी नॉन सुपर इम्पॉजिबल मिरर इमेज बन रही है या नहीं बन रही है, उससे भी नहीं पहचान पाए तो साथ में आप सिमेट्री भी ध्यान में रखिए। अगर उसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस नहीं होगा। तो उन सब झंझटों से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है ये 7 नेम, आप इनको देखिए, इसके हिसाब से आपको तैयारी करना है। इस टाइप का अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर है एम ए ए का होल थ्राइस कॉम्प्लेक्स बंद है और यहां पर प्लस या माइनस कोई निशान लगा होगा, यहां एम सेंट्रल मेटल है जैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपन इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, और ए का मतलब यहां दो ए है, इसका मतलब यहां दो ए नहीं है, इस दो ए का मतलब है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। ये लिगेंड कैसा है, सिमेट्रिकल है और बाइडेंटेट है, इसमें टू डोनर एटम हैं, ये डेंटिसिटी टू है इनकी। ऐसे थ्री बाइडेंटेट लिगेंड जुड़े हों तो समझ लीजिए वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बनाएंगे,
राइट। दूसरा स्ट्रक्चर देखो एम ए ए का होल ट्वाइस, यहां पर मैंने 3 मॉलिक्यूल है, यहां पर केवल 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखने के लिए यहां पर 2 ए टू जोड़ दिए हैं। ए टू का मतलब यहां पर मोनोडेंटेड लिगेंड है, ए बी एंड सी इज इक्वल टू मोनोडेंटेड लिगेंड। कहीं भी ए बी सी लिखा है वो मोनोडेंटेड लिगेंड है, कोई भी हो सकते हैं। यहां भी इस तरीके से प्लस या माइनस कोई निशान हो सकता है, वो उस समय देख के पता लगेगा, जो एग्जांपल आपको दिया हुआ देख लेना। ये सेम टाइप के टू हों और ये दो सेम टाइप के हों मोनोडेंटेड लिगेंड, जैसे सी एल दो हो सकते हैं, बी आर दो हो सकते हैं, आई दो हो सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला ऐसा हो सकता है एम ए ए का होल ट्वाइस है, लेकिन यहाँ लिगेंड मोनोडेंटेड ए अलग है और बी अलग है, मान लीजिए यहाँ सी एल हो यहाँ पर बी आर हो। ये मैं केवल एग्जाम्पल के रूप में बात कर रहा हूँ, इन सभी के मैं एग्जाम्पल भी आपको आज ही बताने वाला हूँ, सबके स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ, पहले आपको स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है। फोर्थ नंबर का फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए एम ए ए यानी एक बाइडेंडेड सिमेट्रिकल लिगेंड है, ए टू बी टू, ये ए टू यानी दो सेम है और ये बी टू दो सेम है, यानी ये दोनों आपस में डिफरेंट है। इस टाइप का अगर कोई होता है तब भी हम उसके ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बना सकते हैं। पांचवें नंबर में देखिए एम में ए टू बी टू सी टू, यानी ये सेंट्रल मेटल के साथ मोनोडेंटेड टू, फिर मोनोडेंटेड टू, फिर मोनोडेंटेड टू, लेकिन ये तीनों आपस में डिफरेंट हैं, ये भी ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि एम से यानी सेंट्रल मेटल से 6 डिफरेंट लिगेंड जुड़े हों, सभी मोनोडेंटेड हों, 1 A B C D E and F, इस टाइप का भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बनाएगा। उसके बाद में सेंट्रल मेटल और ए बी यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर ये वाला ए था, यहाँ पर मैं ए बी लिख रहा हूँ। ए बी का यहाँ पर मतलब होता है देखिए अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, तो बाइडेंटेड लेकिन कैसा है, अनसिमेट्रिकल। कल हमने अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड की बहुत सारी लिस्ट बताई थी, उसके स्ट्रक्चर भी बनाना मैंने आपको बताया था, आज भी बताऊँगा। तो ये यहाँ पर अनसिमेट्रिकल है और तीन हैं, तो समझ लीजिए ये भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बनाएगा और ऑप्टिकल आइसोमर इसके पॉसिबल होंगे। तो ये 7 टाइप के बस स्ट्रक्चर आप तैयार कर लीजिए कंपटीशन के लिए भी और अपने 12th क्लास के लिए भी, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, राइट। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये मैंने नोटेशन दे रखे हैं याद करने के लिए कि अगर आप बोर्ड पर से उतारते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो पहले से हमें ये जनरल फार्मूले पहले ही तैयार कर लेना है, और ये जनरल फार्मूले का रियल फार्मूला क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, डेक्स्ट्रो और लिवोफॉर्म कैसे बनेंगे, ये मैं जस्ट इसके बाद बता रहा हूँ, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, इससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि ये आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जैसे नहीं हैं, इसमें कुछ अलग है। तो देखिए इस एग्जाम्पल से हमारा पूरा समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए एम यानी सेंट्रल मेटल, ए ए का होल थ्राइस यानी सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। इस एग्जाम्पल को इस टाइप के एग्जाम्पल्स में आपको पेपर में देखने को मिलेगा, मेटल की जगह एक कोबाल्ट है और ए ए यानी सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड में ई एन एक फेमस वर्ड है, फेमस लिगेंड है, एथिलीन डाइएमीन, इसके 3 मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पर लगा हुआ है 3 पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं, सॉरी ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये चीज़ मैं आपको बखूबी सिखा चुका हूँ कि अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तो इनमें एक बाइडेंटेड लिगेंड में 2 कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है, तो यहां पर 3 बाइडेंटेड लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अब यहां पर इस एग्जांपल को मैं यहां पर इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल को आपको इस तरीके से एक स्ट्रक्चर खींचना है, इसमें देखिए 1, 2, 3 and 4, 5 and 6, ये नंबर डालना मैंने आपको कल सिखाया था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने इस टाइप का होता है, और इसमें गिनती कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नंबर आपको यहाँ से बताया था, ये 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ये 6 नंबर हैं। इन 6 नंबर पर हम 6 लिगेंड जोड़ सकते हैं, चाहे वो मोनोडेंटेड हो, बाइडेंटेड हो या ट्राइडेंटेड हो। यहाँ पर ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो ई एन में डेंटिसिटी 2 है, तो ये 2 पॉइंट से जुड़ेगी, ये 1 नंबर से और
इस टू नंबर से, ये यहाँ पर बॉन्ड को मैंने ऐसे दिखाया, इसका कोई मतलब नहीं है, ये बॉन्ड टेढ़ा नहीं होता है, ये केवल दिखाया गया कि ई एन को जोड़ दिया है, वरना ये आप डायरेक्ट सीधे बॉन्ड से भी दिखा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक साइक्लिक सा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए इसको इसमें दिखाया गया है। तो आप ई एन जोड़िए यहाँ पर, या एनएच टू सी एच टू सी एच टू एनएच टू को इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ जोड़ सकते हो, यहाँ भी एनएच टू आएगा, यहाँ भी एनएच टू आएगा, सी एच टू बीच में आ जाएंगे, लेकिन इतना पूरा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर ये आपका एथिलीन डाइअमीन है, थ्री एथिलीन डाइअमीन आपको कहीं भी जोड़ सकते हो, जैसे इन टू पॉइंट्स पे जोड़ा था मैंने, तो अगला वाला ये पॉइंट आता है यहाँ पर जोड़ दिए, ये दो पॉइंट हैं और ऐसे यहाँ पर जोड़ दिया, आप कहीं भी जोड़ दीजिए, हो सकता है मैं यहाँ पर जोड़ देता तो फिर अगला वाला यहाँ पर जोड़ा जाता, तो आप इन्हें कहीं भी अटैच करिए, सिक्स बॉन्ड आपके कंप्लीट यहाँ पर हो जाते हैं। ये सारे के सारे बॉन्ड कोबाल्ट की तरफ एरो द्वारा दिखाए जाते हैं, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, लोन पेयर को डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। अब इसको पहचानने की बात है कि क्या इसका ऑप्टिकल आइसोमर होगा, तो ये तो पक्का होगा, ये तो हमने पहले ही देख चुके हैं कि इस टाइप के कंपाउंड में ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है और इसमें ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। अब इसमें मेन बात आती है, अगर मैं इसके सामने एक मिरर रखूं, मिरर इमेज लेना है मुझे, तो ये मिरर में जस्ट देखिए ये उल्टा दिखाई दे रहा है, ये वाली चीज़ इधर दिखेगी और ये दोनों स्ट्रक्चर इधर दिखाई दे रहा है, देख लीजिए ध्यान से आप, ये वाला स्ट्रक्चर इधर दिख रहा है और ये दोनों स्ट्रक्चर इस साइड में दिखाई दे रहे हैं, मिरर में यही होता है, क्योंकि मिरर में अगर आप इस टाइप से अगर एल को देखें, ये मैं एल बना दूं यहाँ पर, तो ये एल आपको ऐसा दिखाई देगा, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कहलाती है। अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन रही है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है, लेकिन अगर इन दोनों का मिक्स करके, जैसे मैंने अभी मीजो फॉर्म बनाया था, तो इनमें एक का एक पार्ट, दूसरे का दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट भी लेकर के मैंने सीओ से जोड़ दिया, जो ऐसे दिखाना पड़ेगा, तो ये मीजो फॉर्म है और मीजो फॉर्म जहाँ भी बनता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और ये ऑप्टिकल आइसोमर रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो यहाँ पर बस ये मेन कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी मीजो फॉर्म है, लेकिन ये प्लस फॉर्म यानी डी फॉर्म और ये एल फॉर्म है, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों कैसे हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो चलिए इस तरीके से आप ऐसे एग्जाम्पल से इन स्ट्रक्चर्स को बनाने की प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर टू की ओर, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर थ्री, वन और टू से जो समस्याएं आपकी पूरी नहीं हुई, शायद एग्जाम्पल नंबर थ्री और फोर से हो जाएंगी, इसके अलावा भी एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन आपको इन फोर एग्जाम्पल में सारा कुछ समझना है, इतने में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप कहीं से भी एग्जाम्पल निकाल पाएंगे। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या खूबी है, यहाँ लिखा है मैंने एम ए ए का होल ट्वाइस ए बी, ए को बार बार बता दूं ये सिमेट्रिकल बाईडेंटेड लिगेंड है दो, और ए और बी अलग अलग मोनोडेंटेड लिगेंड हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे एन एच थ्री एंड सी एल, ये ए बी को रिप्रेजेंट किया है और ये मेटल को सी ओ के द्वारा दर्शाया है, और ए का होल ट्वाइस यहाँ पर है ई एन का होल ट्वाइस यानी एथिलीन डाइअमीन एन एच टू सी एच टू सी एच टू एन एच टू। इस एग्जाम्पल का अगर हम देखें कि ऑप्टिकल आइसोमर होगा कि नहीं होगा, तो सिंपल सी चीज़ है, आपको नॉन सुपर इम्पॉजिबल मिरर इमेज देखना है। तो मैंने ये स्ट्रक्चर इसका बनाया, तो देखिए यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये ई एन दो ई हैं, देखिए सिस कंडीशन में जुड़े हुए हैं, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर में देखते तो ये सिस कंडीशन में है आपस में। अब और यहाँ पर सी एल और एन एच थ्री को अलग अलग जोड़ दिया, इससे कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमें क्या है, जब इसकी मिरर इमेज देखी, ये मिरर है और यहाँ पर ये देखिए स्ट्रक्चर जो सी एल और एन एच थ्री इस साइड में थे जस्ट अपोजिट हो गए सी एल और एन एच थ्री, और ई एन जो इधर साइड में थे वो देखिए इधर साइड में आ गए, इसका मतलब मिरर सुपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बन रही है, इसका मतलब ये डी फॉर्म है और ये इसका एल फॉर्म है डेक्स्ट्रो एंड लीवो। अब इसी स्ट्रक्चर का ट्रांस भी बनेगा, देखिए ये ट्रांस बन रहा है, ई एन को मैंने जस्ट अपोजिट कर दिया, सी एल और एन एच थ्री को अपोजिट कर दिया, और यहाँ से एक लाइन में डालूँ
ये देखिए ये लाइन मैंने यहाँ से बीच में से खींची हुई यहाँ पर, तो ये स्ट्रक्चर दो बराबर भागों में बट जाएगा, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो अगर इसकी मिरर इमेज लेंगे तो सेम वही बनेगी जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, नॉट नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। हमें चाहिए कौन सी? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, जबकि कौन सी बन रही है? सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, सेम दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से, ये इसका ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लेकिन इसमें ऐसी कोई सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब ये दो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे इस एग्जाम्पल के। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, एम ए ए, यहाँ पर बाइडेंटेड जो लिगेंड है वो एक ही है, और ए टू बी टू यानी 4 मोनोडेंटेड लिगेंड है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, सी ओ ई एन सी एल टू एन एस थ्री का होल ट्वाइस। अब देखिए इसका अगर स्ट्रक्चर अपन बनाएं तो यहां पर केवल एक ही बाइडेंटेड लिगेंड है तो इससे हमें कुछ पता नहीं लगेगा। तो हम सेम स्ट्रक्चर को देखो, NH3 यहां पर सिस कंडीशन में है, Cl यहां पर सिस कंडीशन में है, इसकी अगर अपन मिरर लगा के इसको मिरर इमेज देखें तो यहां पर देखिए दोनों NH3 इधर दिखाई दे रहे हैं और ये दोनों Cl इस साइड में आ गए, इसका मतलब ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसलिए इसके दो फॉर्म हुए, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म, डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म, यानी इसके दो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। अब इसका अगर मैं ट्रांस बनाऊं तो देखिए इसमें NH3 को मैंने अपोजिट साइड में ले लिए तो ये ट्रांस हो गया, या मैं यहाँ पर Cl-Cl3 को अपोजिट साइड में ले लूँ तो ये भी ट्रांस हो गया, यानी दो सिस बन रहे हैं तो ये यहाँ पर दो ट्रांस भी बन रहे हैं। लेकिन ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर मैं यहाँ से ब्रेक करूँ इसको En के यहाँ से तो ये इमेज देखो Cl-NH3 अलग हो जाएंगे, Cl-NH3 अलग हो जाएंगे, En का भी आधा आधा पार्ट ऊपर चला जाएगा, आधा पार्ट नीचे हो जाएगा, यानी ये होता है NH2-CH2-CH2-NH2। तो यहाँ से अगर मैं लाइन खींचूँ तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री का मिरर इमेज नहीं होता है, यानी नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज नहीं होता है, इसलिए इसको कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव ट्रांसफॉर्म का। अगर इसी स्ट्रक्चर को दूसरे फॉर्म में मैं Cl को ट्रांस में ले लूं तब भी यहां से मैं लाइन खींचूंगा तो यहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसलिए इसके ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होंगे, इसको भी हम ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे। इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर बनाना है एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। इसके अलावा भी एग्जाम्पल होते हैं, सारे एग्जाम्पल देना इस वीडियो में संभव नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए हैं, आपको इन्हीं एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करना है। और मेनली तो आपको जब डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में इसमें बताई है उस डेफिनेशन में जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन पॉइंट को याद करिए, और किन किन में ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उनके एग्जाम्पल मैंने पहले ही दे दिए हैं, उनको आप तैयार कर लीजिए तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस आसानी से बता पाएंगे। बस ज़्यादातर आपने जो सिस और ट्रांस बनाते थे तो ट्रांस में अगर जो कंडीशन ये दिखाई दे रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जरूर देख लीजिए या सेंटर ऑफ सिमेट्री देख लीजिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री देख लीजिए, अगर ये अवेलेबल हैं तो उसमें उसके ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेंगे, क्या लिखेंगे उसको? ऑप्टिकली इनएक्टिव। संख्या गिनना है तो इसके दो ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, दो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। यहाँ पर देखिए दो ऑप्टिकली एक्टिव हैं और ये यहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिव एक ही है, ये इसकी मिरर इमेज दिखाई गई है जो कि वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन इसकी संख्या दो काउंट नहीं करेंगे। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर कैसे बने थे, एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी, ध्यानपूर्वक सुनना ढंग से। नंबर 1 तो एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने ये मेटल है एम ए ए का होल ट्वाइस, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ए ए का होल ट्वाइस ए टू, ए बाइडेंटेट सिमेट्रिकल लिगेंड है, और इसको अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आप इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्रोमियम Cr सेंट्रल मेटल है, OX ऑक्सिलेटो COO नेगेटिव सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, और NH3 का होल ट्वाइस, इसकी जगह पर भी आप Cl2 Br2
और अदर लिगेंड जो भी आप जानते हैं वो लिख सकते हैं। अब इस टाइप का कोई एग्जांपल अगर आपके पास है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा, साथ साथ में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर मैं दोनों के कंपैरिजन के लिए पहले आपको सिखा दूं कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आइसोमर भी संभव है और उन ज्योमेट्रिकल आइसोमर के आधार पर हम ऑप्टिकल आइसोमर भी बता सकते हैं। ज्योमेट्रिकल में क्या होता है, सिस और ट्रांस देखना होता है। सिस ट्रांस बहुत सरल सी चीज है। सिस ट्रांस में क्या होता है, सेम ग्रुप इन सेम साइड सिस हो गया, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस हो गया। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो इधर बनाए गए हैं इनमें क्या होना है, इसमें डी फॉर्म और एल फॉर्म, यानी जो एग्जाम्पल आप लिखेंगे उसकी मिरर इमेज बनाएंगे। मिरर इमेज कैसी होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अगर वो है तो ऑप्टिकल आइसोमर होगा। साथ में एक शर्त भी है कि उसमें किसी प्रकार की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। ये दो बातों को ध्यान में रखते हुए हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस एग्जांपल को मैंने, ये अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाए इसके तो ये तीन सिस आइसोमर बन रहे हैं। कैसे, जरा देखिए, ये सी आर है और ये बाइडेंटेड लिगेंड है ओ एक्स, वो भी सिमेट्रिकल। तो देखिए ये दोनों सिस कंडीशन में हैं। अब ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, मैंने बताया था ये दोनों सिस होते हैं और इसके साथ में ये भी सिस होता है, तो ये दोनों सिस कंडीशन में हैं ओ एक्स। फिर हम अमोनिया को नहीं देखेंगे, केवल इसी से हमारा काम चाहे। ओ एक्स के कंपेरिजन में कहूँ फोर ग्रुप है इसके अंदर, तो ये सिस हो गए। दूसरा सिस इसका क्या होगा, देखिए ओ एक्स को मैंने यहां पर लगाया है, ये भी सिस है देखो, और ये भी सिस है क्योंकि इसके साथ में ये सिस है। और ऐसे ही अगर इसको देखें तो ये इसके साथ में भी सिस है, तो ये दोनों दिखने में क्या लग रहे हैं, ट्रांस, लेकिन ट्रांस नहीं है, ये दोनों सिस आइसोमर हैं। मैंने बताया था वन नंबर और सिक्स नंबर, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो वन नंबर और सिक्स नंबर, सिक्स नंबर इसके साथ, सिक्स नंबर इन चारों के साथ, या वन नंबर इन चारों के साथ सिस आइसोमर बनाता है। सेम कंडीशन देखिए यहां बदल दिया मैंने, ये देखिए वन और टू नंबर पर और ये थ्री और सिक्स नंबर पर, ये दोनों आपस में सिस हैं। तो देखिए थ्री सिस आइसोमर बने, इसके अलावा नहीं बन सकते हैं, लेकिन एक ट्रांस भी इसमें से बनेगा, इन्हीं तीन में से एक ट्रांस बनेगा। देखिए ये ओ एक्स यहां पर लगा हुआ है और ये यहां से 180 डिग्री पर है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, ठीक है। ये भी अमोनिया देख लो, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, तो ये यहां पर क्या है, ट्रांस आइसोमर है। अब ट्रांस आइसोमर अगर ये है तो ट्रांस आइसोमर की विशेष बात क्या रहती है, इसके ट्रांस आइसोमर में, इसके ट्रांस आइसोमर में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पाई जाती है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी पाई जाती है, सॉरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी पाई जाती है। कैसे, जरा देखें ध्यान से, इस स्ट्रक्चर को मैंने यहां दो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया है, इस सी आर की जगह मैंने एम लिख दिया है और ओ एक्स की जगह ए ए लिया है। जैसे यहां पर लिखते ना सी ओ ओ और सी ओ ओ, ओ एक्स माने ऑक्सिलेटो, सी ओ ओ निगेटिव, सिंगल बॉन्ड सी ओ ओ निगेटिव, इसलिए उसको मैंने ए और ए मान लिया। इधर भी मैंने ओ एक्स को ए और ए मान लिया, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अब आप इसमें ये दो मोनोडेंटेड लिगेंड है तो आप देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर में मैं अगर यहां से कट मारूं तो ये दो बराबर बराबर भागों में बट जाएगा, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगा। तो इसमें कौन सी सिमेट्री हुई, प्लेन ऑफ सिमेट्री। साथ में अगर मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करूं तो इस एक्सिस से ये बीच में, इस सेंटर से मैं इस एक्सिस से लेकर इस ए के बीच में एक लाइन खींचूं तो ये भी स्ट्रक्चर दो भागों में बट जाएगा। इसी को भी मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ में ना आए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आपको क्लियर दिखाई देगी कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो ये इमेज और ये इमेज देखिए दोनों नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज नहीं बन रही बल्कि सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बन रही है, सेम दिखाई दे रही है दोनों। तो ऐसी इमेज में जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ भी हो,
उसका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होता है। तो इस वाले पार्ट का ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा, लेकिन तीनों जो सिस दिखाई दे रहे हैं आपको, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, इन तीनों के ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। ये तीनों स्ट्रक्चर, वन का ये वाला है, टू वाला ये है, थ्री वाला ये है, ध्यान से देखिए सारे के सारे सेम स्ट्रक्चर है ये। अब इनको मिरर के सामने रखें, यानी मिरर इमेज देखें, तो देखिए ये वाला इसकी मिरर इमेज है कि नहीं, ध्यान से देखो। ये NH3 यहाँ था, अब देखिए इधर दिख रहा है, ये OX यहाँ था, इधर अपोजिट दिख रहा है, ये OX यहाँ था, इधर दिख रहा है, जस्ट अपोजिट दिखती ना मिरर इमेज, तो इसी को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। आप मिरर में रख के भी इसको देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ये ओ एक्स ऐसे कंडीशन में है यहाँ, तो देखिए अब ये यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी ये इधर आ गया और ये इधर दिखाई दे रहा है। ए एन एच थ्री यहाँ था, अब इधर दिखेगा, ए एन एच थ्री इधर है, देखिए जस्ट अपोजिट आ गया। तीसरा ये वाला स्ट्रक्चर है, एन एच थ्री यहाँ है, देखिए ए एन एच थ्री इधर दिख रहे हैं, ये ओ एक्स यहाँ पर है, ये इस साइड में दिख रहे हैं। पहले वाले सभी डी फॉर्म कहलाते हैं, तो दूसरे वाले सभी एल फॉर्म कहलाते हैं। तो इसमें 3D और 3L, तो टोटल 6 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। अगर ट्रांस वाले का भी अगर बनता तो ये 8 हो जाते, लेकिन ट्रांस आइसोमर में आप क्या हो रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से इसका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा। आप इन स्ट्रक्चर्स को देख करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि सिस और ट्रांस कैसे बनते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर बनाने से पहले फर्स्ट नंबर का वीडियो जरूर देख लेना इसका। फर्स्ट नंबर माने ऑप्टिकल आइसोमर में मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हम ऑप्टिकल आइसोमर जब बनाए तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, उसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर कौन से होते हैं, 12 सिस और बचे हुए 3 ट्रांस आइसोमर कैसे बनते हैं, इससे हमें सिस और ट्रांस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 2। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 4 5 6 की तरफ, जो कि आपको और ज़्यादा नॉलेज देंगे। सो एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।